हाय गाइस, मैं सेल बलराम प्रसाद गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बायोडिशा। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल ह्यूमन इंसुलिन दैट इज आल्सो नोन एज ह्यूमलिन। जैसा कि आप जान रहे हैं, इंसुलिन जो हार्मोन है डायबिटिक पेशेंट के लिए अत्यंत जरूरी है। तो एक्चुअली डायबिटिक पेशेंट के इलाज के लिए इंसुलिन हार्मोन का यूज किया जाता है और इस इंसुलिन को आर्टिफिशियल तरीका से जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाया जाता है। बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ा? तो शुरुआत में क्या है कि इंसुलिन हार्मोन स्लॉटर कैटल्स एंड पिग से निकाला जाता था, लेकिन बाद में देखा गया कि पेशेंट को इससे एलर्जी होने लगा। तो फिर एक नया एक अमेरिकन बायोटेक कंपनी है जो कि आर्टिफिशियल तकनीक से जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ह्यूमन इंसुलिन का निर्माण किया, जिसे हम लोग कहते हैं ह्यूमलिन। यह टोटली बेस है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक टॉपिक आता है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के सहायता से प्लाज्मिक वेक्टर के माध्यम से टू डीएनए को रिकम्बाइन किया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेशन। तो हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल ह्यूमन इंसुलिन का निर्माण कैसे होता है। तो सपोज कीजिए आपके पास एक ह्यूमन सेल है। इस ह्यूमन सेल के पास मान ले डीएनए मटेरियल हुआ। इस डीएनए मटेरियल को फर्स्ट क्या किया जाता है, ये आइसोलेट किया जाता है। आइसोलेट मीन्स बाहर निकाला जाता है। तो मान ले डीएनए मटेरियल को सबसे पहले क्या करेंगे, आइसोलेट किया जाएगा। ये हो गया ह्यूमन डीएनए, और उस डीएनए को निकाला जाएगा, उस जीन को निकाला जाएगा जो कि रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए ह्यूमलिन या इंसुलिन प्रोडक्शन। यानी इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उस जीन को बाहर निकाला जाएगा। तो ये हो गया ह्यूमन डीएनए। इधर जो है आप जैसे जानते हैं इकोलाई या कोई भी बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में दो प्रकार का डीएनए होता है। एक बैक्टीरियल डीएनए हो गया, इसको बोलेंगे बैक्टीरियल डीएनए। दूसरा जो डीएनए होता है उसको प्लाज्मिड कहा जाता है। यह होता है सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड। यह होगा आपका सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और यह सेल्फ रिप्लिकेट करता है, जिसको कहा जाता है प्लाज्मिड। तो यह है आपका प्लाज्मिड। तो दो चीज आइसोलेट करना है, पहला बैक्टीरियल जो प्लाज्मिड है उसको बाहर निकालना है। तो इस प्लाज्मिड को क्या किया गया, बाहर निकाला गया। कहां से निकाला गया, फ्रॉम बैक्टीरियल सेल। तो दो चीज आइसोलेट किया गया, पहला तो ह्यूमन डीएनए को आइसोलेट किया गया, बाहर निकाला गया ह्यूमन सेल से, और दूसरा प्लाज्मिड डीएनए को निकाला गया बैक्टीरियल सेल से। तो इस प्रोसेस को कहेंगे आइसोलेशन। सेकेंड स्टेप में है कि अब दोनों को ह्यूमन डीएनए है, इसमें स्पेसिफिक जीन है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन। तो एक एंजाइम आता है जिसे कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या इंडो न्यूक्लिएज। यह क्या करता है कि यहां जो जीन उपस्थित है, स्पेसिफिक जीन जो कि इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, उसको कट करके बाहर निकालेगा। तो ये जीन जो है आपका ह्यूमन जीन हो गया। और कौन जीन है जो कि इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, और प्लाज्मिड को भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से स्पेसिफिक पॉइंट पर कट किया जाएगा, कट। तो ये जो है इसका स्ट्रैंड ओपन हो जाएगा इस प्रकार से। अब क्या हुआ, ये प्लाज्मिड हो गया, फिर इंसर्टेड करना है ह्यूमन जीन को इस प्लाज्मिड वेक्टर जीन के साथ इंसर्ट करना है इस प्रकार से। और इसमें जो एंजाइम जो मदद करता है
इंसर्शन, उसे बोलते हैं डीएनए लाइगेज। अब इस डीएनए में दो प्रकार का डी हो गया, डीएनए हो गया, एक प्लाज्मिड डीएनए हो गया और एक ह्यूमन जीन, एंड दिस वन इज प्लाज्मिड। द ह्यूमन जीन व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन अलोंग विथ प्लाज्मिड डीएनए, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट। अगेन दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए inserted into E. coli bacteria, that is bacterial DNA, and this recombinant DNA again inserted into E. coli bacteria, and this have human gene. It is self-replicating factor and make cloning. एक क्लोन बनाएंगे, बैक्टीरिया रिप्लीकेट करेगा, ये आपका प्लाज्मिड डीएनए और ए हो गया आपका बैक्टीरियल डीएनए, ए हो गया इसका प्लाज्मिड डीएनए और ए इसका हो गया बैक्टीरियल डीएनए, और ए प्लाज्मिड डीएनए जो ह्यूमन जीन था, ये जो है प्रोडक्शन करेगा क्या, इंसुलिन हार्मोन, ये बनाएगा आपको इंसुलिन। इस इंसुलिन को एक्सक्रेट किया जाएगा और प्यूरिफाई करने के बाद ये चेंज होगा ह्यूमन इंसुलिन। तो सर्वप्रथम जो इंसुलिन जो प्राप्त होता है उसे हम लोग टेक्निकल भाषा में प्री प्रो इंसुलिन कहते हैं, इसके बाद ये चेंज होता है प्रो इंसुलिन, और इसके बाद फाइनली प्योर जो इंसुलिन प्राप्त होता है इसे हम लोग कहते हैं ह्यूमन इंसुलिन। तो प्रो इंसुलिन क्या है और प्री प्रो इंसुलिन क्या है, तीनों में क्या डिफरेंस है, हम लोग अगले वीडियो में सीखने का प्रयास करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि यह वीडियो काफी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आप याद रखेंगे आर्टिफिशियल रूप से ह्यूमन इंसुलिन का प्रोडक्शन जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा इस विधि से।